ये बनाए लच्छेदार मैंने प्याज काटे हैं, एक एक मजे की चीज बनने जा रही है, वो भी बच्चों की फरमाइश पे। तो ये मैंने नीचे लच्छेदार प्याज करे हैं। अब मैं दूसरे चूल्हे पे कोल जो है वो कोयले का दम लगाने के लिए कोयला जो है वो हीट करने लगी है। अब हम इसके ऊपर यही मैंने राउंड शेप में जो है वो टमाटर डाले हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं कलर में, वाह कॉम्बिनेशन तो बड़ा होता है। खाने में हरी मिर्च ना हो तो क्या फायदा, ये है हरी मिर्च। हरी मिर्च भी मैंने काट दी है क्योंकि थोड़े जो मैं बना रही हूँ ना उसमें कबाब जो है वो ऑलरेडी स्पाइसी है, तो ज़्यादा मैंने नहीं डाली, बस प्यारी लग रही है इसलिए मैंने डाल दी है। ये मैंने जो है वो फ्रोज़न कबाब रखे हुए ऑलरेडी, बस इसको मैं स्मॉल पीसेस में करूँगी जो है इसकी हांडी बन जाए। इस तरह करके मैं इसको स्मॉल पीसेस में करूँगी और इसके बाद मैं बस इसके डायरेक्ट उसके ऊपर डाल दूँगी। ठीक है, तो ये गए टन 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 टन, ये अंदर चली गए सारे कबाब। और ये ज़रा कोल भी दिखा दें, ये है कोल दहक रहा है, दहकते कोलों पे कौन चलेगा, आज किसकी बारी है। चलें, ये जी जिंदगी में सॉसेस ना हो तो क्या ही बात है, मैं सॉसेस की बात कर रही हूँ, सांस नहीं कह रही, ज़रा प्लीज़ देख लेना। ये मैंने ऑयस्टर सॉस डाली है इसमें और खटाई खटाई खटाई, ये है जी पेरी पेरी लेमन एंड हर्ब मैं यूज़ कर रही हूँ। सॉसेस आई लव, ये देखें, ये भी मैंने थोड़ी सी इस पर डाल दी है। अभी मैंने नमक मिर्च वगैरह नहीं ऐड की, तो इसमें हमें थोड़ा सा डालूंगी गार्लिक पाउडर। टिन 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 टिन, ये गार्लिक पाउडर भी चला गया, मज़े का लग रहा है देखने में। चले हम कोयले का दम लगाने लगे हैं। ये मैंने रख दिया है इसमें फॉइल, ये जा रहा है कोयला। अब आपके इश्क का इम्तिहान है कि इसके ऊपर कौन नंगे पाँव चलेगा। ओ जबरदस्त, झूठ पकड़ा गया, धुआं निकला, इसका मतलब है ये झूठी कहानी है। ये आज के कुकिंग का गड़गड़ गड़गड़ वाला सीन आ गया है, आटा गूंदने का टाइम आ गया है। ताज़ा आटा मैंने गूंद रही हूँ और बस साथ ही मैंने इसकी रोटी डाल देनी है। ठीक है, और ये है मशीन, ये मैंने कहा आज दिखा दूँ, मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इसके। तो ये देखिए इसका टाइमर भी लगा हुआ है और ये मैंने जो है कनेक्ट किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के साथ ऑलरेडी, ये मैंने टेबल पे रखी हुई है ताकि ये कि बार बार मैं नहीं ना इसका हर वक्त कर सकती, कौन इन झंझटों में पड़े कि निकालो स्विच में लगाओ, ये मैंने ऑलरेडी इसको डायरेक्ट किया हुआ है। बस अब इसमें डलेगा ऑयल और बस मेरा आटा तैयार। ये रोटी जो आटा अभी तैयार किया है उसकी ताज़ा रोटी है, ये मैंने कहा मैं ये दिखा दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये रोटी अच्छी नहीं बनती या फूलती नहीं है, ये भी रोटी बिल्कुल सही बनती है अच्छी खासी है। थोड़ी सी गैस कम हो गई है, ओह हो थोड़ा गैस का इशू आ गया है। चलो लेट्स सी देखते हैं। और ये हो गई है, फूल गई, पूरी ही फूल गई, बस साइड। ये देखे जी हमारी कबाब कढ़ाई तैयार हो गई है, तो चले अब हम इसको इसमें डिश आउट कर लेते हैं मज़े मज़े की यम्मी। स्पाइस मैंने ज़्यादा नहीं इसमें ऐड किया, बस नमक ऐड किया था और सॉसेस से, तो ये है इसकी फाइनल लुक। अब हम ये खाने लगे हैं। किचन चमचम कर दिया है, ये सूप था ये गरम किया है, दादा बू को दिया है और ये दलिया उबालने के लिए रख दिया है, बस जौ का दलिया, ये भी दादा बू के लिए, बाकी मैंने सब साफ कर दिया है। चम 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 चम, चम।